ग्राम पंचायत कारीकोट के हम हजारीपुरवा ग्राम में हैं और ये जो आप देख रहे हैं ये डामर रोड बन रही है। आपको इसमें जो अनियमितता बरती गई है, इस रोड के बने ने का जो तरीका है वो आप स्पष्ट देख सकते हैं। बड़े बड़े पत्थर हैं, पहले इनको पानी से भिगोना चाहिए था, लोलर से दबाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। और जो इमर्सन डाला जा रहा है उसमें भी कंजूसी की जा रही है। इमर्सन इतना पड़ना चाहिए, इमर्सन पड़े फिर छोटी बजड़ी डालकर लोलर चलाकर इसको दबाकर बनाना चाहिए ताकि ये काफ़ी दिन चले। लेकिन आप देख सकते हैं, ये देखिए लेयर इतनी डाली जा रही कि ये चार दिन चले और पाँचवें दिन खराब हो जाए। आप देख सकते हैं ये पत्थर दिख रहे हैं और इस पर जो बजड़ी पड़ी हुई है वो भी आप देख लीजिए, ये बजड़ी पड़ी हुई है। और आपको दिखा दें ये जो रोड है, रोड में अनियमितता बरती जा रही है, सब छूट देख रहे हैं छूट रहा है। लेकिन जो जिम्मेदार हैं, ये क्षेत्रीय ग्रामीण हैं जो विरोध कर रहे हैं कि ये रोड सही नहीं बन रही, लेकिन जो जेई हैं वो गायब रहते हैं, ठेकेदार भी इनकी नहीं सुन रहे हैं। ग्रामीणों का जो इन लोगों का जो कहना है उसके अकॉर्डिंग साइड पर मुंशी काम कराते हैं, ठेकेदार और जेई गायब रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो रोड बन रही है इसके विरोध में आप देख सकते हैं ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। आपका कहाँ के रहने वाले हैं, ग्राम का नाम बताइए? ग्राम का नाम है कारीकोट। कारीकोट, क्या मामला है रोड का? रोड आप देख ही रहे हो किस तरह बनी हुई है। हाँ, तो ये जो रोड बना रहे हैं सही बना रहे हैं? नहीं, गलत है। गलत है, बना रहे हैं इंजीनियर साहब। अच्छा, तो आपने किसी से शिकायत की, जो बना रहे हैं उनसे शिकायत की? रोका भी था वहाँ पे जाके, तो क्या बोलते, दो ये दो टैंकर पानी के लिए रोका, तो बोला इसे इसे डाल लेना, रुखा जा रहा है, गलत हो जाएगी। यानी इस पे पानी वानी नहीं छिड़काव कर रहे हैं? नहीं छिड़काव, दो टैंकर आया था बस, उसके बाद नहीं आया। तो इस पे इसको ऐसे ही गिरा रहे हैं या इस पे कुछ और डालते हैं? बस यही है, बस सामने जो पड़ा है। तो ये मोटे मोटे ये पत्थर हैं, अगर इस पे बजड़ी नहीं डाली जाएगी, इसकी कुटाई नहीं होगी तो चार दिन के बाद ये खराब हो जाएगी। ये बताइए तब आप लोग क्या करेंगे? वो तो है ही है। क्यों दादा, आप लोग भी यहीं के हैं? भैया जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, तो ये रोड सही बन रही है? गलत है। हमारा नाम श्री कृष्णलाल गौतम हजारी पुरवा। अच्छा, क्या मामला है रोड का? रोड का मामला ये है कि सही नहीं बन रही है। सही नहीं बना रहे, माल मटेरियल बहुत कम डाला जा रहा है। कम डाला जा रहा है, तो कितने दिन चलेगी ये रोड? अभी महीने खंड में फिर हमको लग रहा है टूट जाएगी। आपने जो जिम्मेदार हैं यहाँ के ठेकेदार हैं जो इंजीनियर साइड पर रहता है उससे आपने कहा? नहीं कहा गया, हम लोग तो यहीं खुद लोग। आप लोग जी भैया, इंजीनियर नहीं आया है, तो काम कौन कराता है? मुंशी कराते हैं। तो आपने कहा नहीं कि इंजीनियर को बुलाइए? एक बार तो बंद करवाया था काम, मैं बोला भाई सही काम कराओ, फिर भी सही नहीं हो रहा है। फिर भी हम लोग जी दादा, इतना पतला पतला पड़ रहा है, कितने दिन चलेगा ये? इससे पहले जो रोडें बनी हैं क्षेत्र में आप देख सकते हैं गड्ढा युक्त हैं, तो ये रोड कितने सालों बाद ये आपको निजात मिली है इससे? अरे बहुत सालों बाद निजात मिली है, मतलब यानी जो बन रहा है वो सही बन जाए। हाँ भाई, सही बन जाए। कामता जी, ये बताइए रोड कैसे बन रही है? सही बन रही है रोड? पानी वानी पड़ा ही ना है, पर कुछ नहीं पड़ा है, पानी वानी कुछ नहीं पड़ा यहाँ। इसमें कमियां क्या क्या है? जैसे अरे बंदरवा मुता था वो है का, और कुछ नहीं पड़ा, और कुछ नहीं पड़ा। इसमें कमियां भी हैं? कुछ कमी है पानी वाली।